साइंटिफिक इन्वेंशंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या मोटिवेशन रहेगा, और क्योंकि वो सारे के सारे बेस्ड हैं फिजिकल फैसिलिटी को ही बढ़ाने की तरफ, तो वहाँ पर जैसे हम लोग साइंस में कहा जाता है कि नित नए प्रयोग करें, नित्र रिसर्च करें और ये करें वो करें, तो उसके लिए फिर हम कैसे अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं? देखिए, रिसर्च के दो तीन प्रयोजन हो सकते हैं। अभी हम किस प्रयोजन के साथ चल रहे हैं वो देखने की बात है। जैसे एक प्रयोजन हो सकता है कि शरीर ज्यादा अच्छे से साधन के रूप में काम करे, तो शरीर के पोषण की व्यवस्था बेहतर हो जाए, संरक्षण की व्यवस्था बेहतर हो जाए, सदुपयोग की व्यवस्था बेहतर हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि अभी हम बहुत सारा जो IT, ML है ना, मशीन लर्निंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट और इन सब चीजों को लेकर जो काम कर रहे हैं, उससे शरीर का सदुपयोग बेहतर हो जाए। जैसे जूम ऐप आ गया, स्मार्टफोन आ गया, अब हम लोग बैठे बैठे है ना अपने अपने कमरों में बैठे हुए 200 लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, कुछ सार्थक चर्चा कर पा रहे हैं। तो एक ये प्रयोजन हो सकता है कि शरीर का पोषण बेहतर हो जाए, संरक्षण बेहतर हो जाए, सदुपयोग बेहतर हो जाए। दूसरा प्रयोजन हो सकता है कि ये जो तीन तरह के उन्माद की बात हुई है ना, उसको हम और पूरा कर पाए। काम उन्माद, लाभ उन्माद, भोग उन्माद, यानी उन्माद में हम जा पाए, उन्माद को और पूरा कर पाए। ये भी एक प्रयोजन हो सकता है। एक तीसरा प्रयोजन हो सकता है कि जो मानव के साथ जीने में अमानवीयता का भय है, उससे अपने आप को कैसे बचा लें। तो अमानवीयता का भय बना हुआ है ना, संबंध में संबंध पूर्वक जीना नहीं हो रहा है, व्यवस्था पूर्वक जीना नहीं हो रहा है, तो उस अमानवीयता से बचने के लिए भी बहुत सारा रिसर्च किया जा रहा है। उस क्रम में ये भी हो रहा है कि एक तरफ हम अमानवीयता से बचने के अर्थ में रिसर्च कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ अमानवीयता का उससे पोषण भी कर रहे होते हैं। तो युद्ध के लिए जो हम हथियार बना रहे हैं, सामग्री बना रहे हैं, उसमें एक पक्ष तो ये होता है कि अगर दूसरा देश हमारे साथ युद्ध करे तो हम क्या करेंगे, परंतु कई बार हमारी पूरी इकोनॉमी ही ऐसी हो जाती है कि अगर दो देश आपस में युद्ध ना करें तो हम क्या करें, हमारे लिए आएगा कोई स्रोत ही नहीं बचा। तो ऐसे कई देश हो गए हैं आज के दिन ना, जिसको हम साधन संपन्न देश कहते हैं, उनकी इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा युद्ध पे निर्भर है कि अगर दूसरे देश युद्ध करेंगे तो खाएंगे पिएंगे, अगर दूसरे देश युद्ध नहीं करेंगे तो उनके पास है ना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन ही नहीं बचेगा। तो ये एक तीसरा प्रयोजन है रिसर्च का। तो होता ही है कि हम कहते तो हैं कि अमानवीयता से, जो अमानवीयता का जो भय है उससे बचने के लिए हम कर रहे हैं। जैसे अभी हम देखें तो सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह कैमरे लगते हैं, CCTV कैमरे लगते हैं, मॉनिटरिंग होती है, सैटेलाइट्स के स्तर पे बहुत सारा रिसर्च होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रयोजन है। अब इसमें अगर सार्थक प्रयोजन देखें तो पहला है कि शरीर का पोषण, संरक्षण, सदुपयोग बेहतर ढंग से हो पाए। जो दूसरा प्रयोजन है वो बिल्कुल ही निष्प्रयोजन है, बिल्कुल ही निरर्थक है कि हम क्यों उन्माद में जाएं। तभी देखिए बहुत सारे जो डिजाइन्स बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी बन रही है, वो उन्माद के अर्थ में बन रहा है, उसमें बिल्कुल ना जाए। जो तीसरा प्रयोजन है उसमें एक भाग ठीक है कि यदि हम इस पे नहीं काम करेंगे और अमानवीयता बनी हुई है तो क्या करेंगे, तो टेम्पररीली तो हमको कुछ वैसा करना ही पड़ेगा। अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो बचाव के लिए कुछ करेंगे, परंतु यदि पहले वाले भाग को ठीक से करेंगे तो तीसरे वाले भाग का जो आधा भाग है, यानी दूसरे से अमानवीयता के भय से जो हमको कुछ निपटने के लिए काम करना पड़ रहा है, उसकी जरूरत कम होती जाएगी। तो पहले वाले भाग पे अगर हम रिसर्च ठीक से करें, और उसमें भी जो रिसर्च होना है उसमें भी दो भाग है, एक तो जड़ वस्तुओं पर रिसर्च होना है, दूसरा चैतन्य पर रिसर्च होना है। तो हमने अभी क्या किया है, जड़ वस्तु पर रिसर्च को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, चूंकि चैतन्य पर रिसर्च नहीं हो रहा और जड़ पे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, तो फिर वो दूसरे और तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है ना। तो फिर या तो उन्माद में चला जाता है या अमानवीयता में चला जाता है। पहले वाले भाग को अगर हम चैतन्य पर रिसर्च ठीक से करें, जो अभी जो सुबह के सत्र में हम कर रहे हैं, कि मानव मूल रूप से सुखी होना चाहता है, ठीक, हमको दिखाई दे कि सुखी होने के लिए क्या करना है, इस पर पूरा रिसर्च हो, तो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं उसमें रिसर्च होने की जरूरत है। अभी भी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं अगर उसमें रिसर्च को देखें तो मानव का अभी जीना किस प्रकार है उसको लेकर रिसर्च हुआ है, मानव वास्तव में कैसा जीना चाहता है उसको लेकर रिसर्च कम हुआ है।
तो मानव का जीना भी किस प्रकार है, उसके अनुसार मानव कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे मानव से उत्पादन कराया जाए, है ना, कैसे मानव को अपने अनुसार चलने के लिए सहयोग किया जाए, इस तरह की चीजों पर ज्यादा हुआ है। मानव का स्वभाव क्या है, मानव अपने स्वभाव में कैसे जिए, इस पर कम हुआ है। जो हुआ भी उसको आज की रिसर्च ने मार्जिनलाइज कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ का देखिए तो हमारे देश में बहुत रिसर्च हुआ कि मानव का स्वभाव क्या है और मानव अपने स्वभाव में कैसे जिए, बट जो करेंट रिसर्च है उसको उसको मार्जिनलाइज कर दिया, किनारे कर दिया है। तो अगर हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में देखें तो बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें हम उसकी बात करते हैं, और उसमें भी हम स्वभाव की बात कम करके जो विचार में बातें गई हैं उसको लेकर हम ज्यादा विश्लेषण करते हैं। तो ये बहुत सारा कुछ इसमें शेष है करने के लिए। अगर हम समाधान तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें पहले भाग में और उसमें भी जो चैतन्य का भाग है उस पर ठीक से काम करना होगा, जो अच्छी बात है कि मूल्य शिक्षा के रूप में शुरू हुआ है। दूसरे वाले भाग पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, और तीसरे वाले भाग पे सामयिक रूप से करना है, उसको धीरे धीरे इंश्योर करना है कि जरूरत ही न बने। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि हम कभी भी मानव के स्वभाव के अनुसार जीने के लिए रिसर्च कर कर उसको लोकलाइज कर देते हैं कि एक सीमित जगह में लोग एक ढंग से व्यवस्थित होकर रहने लगे, तो उसकी संभावना बनी रहती है कि जहां पे ये प्रस्ताव नहीं पहुंचा, जहां पे लोगों का जीना व्यवस्थित नहीं हुआ, वो आए और कभी भी हमारा पूरे जो जीना है उसको अस्त व्यस्त कर दें, जो पहले पास्ट में कई बार हुआ है ना। तो आज के दिन और खासतौर पे जो दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, ये एक अनिवार्यता बन गई है कि हम पूरे विश्व के स्तर पर ही व्यवस्था की बात करें, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, है ना, या एक छोटे से समाज के स्तर पर बात करने से नहीं काम बनेगा। तो पूरे विश्व के स्तर पर चैतन्य के स्तर पर जो रिसर्च हो रहा है वो कैसे पहुंचे, उसके लिए काफी कुछ अपना करना जरूरी है ना। उसमें देखें तो ह्यूमैनिटीज का भी बहुत रोल होगा, टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा, वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमें रिसर्च को भी सही दिशा देना जरूरी है। आप पाएंगे कहीं कहीं पर ऐसा हो भी रहा है, जैसे आज के दिन हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल लिविंग की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो लोग इस पे काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, परंतु चूंकि वो उन्माद अपनी जगह बना हुआ है और शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर या दूसरों से भाव पाकर सुखी होने की आशा लगी हुई है, तो फिर वो सही दिशा में जाता नहीं है, फिर डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग के लिए काम आने लगता है, ठीक है ना। और ये युद्ध का तो आशंका बना ही हुआ है, क्योंकि हम समाज में अभी जिस तरह से जी रहे हैं तो उसमें युद्ध की आशंकाएं बनी हुई है। तो रिसर्च को सही दिशा देने के लिए तो पहले मौलिक रूप से ही जो चैतन्य पे रिसर्च होना है ना, इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप YouTube पे कई वीडियोज हैं, अगर आप उसे उठा के देखें तो पता चलेगा कि पूरे विश्व भर में अभी सुख क्या है इसी का कोई यूनिवर्सल नोशन नहीं है। अभी लोग यहीं पे कंफ्यूज हैं कि सुख सुख है क्या। ये विश्व स्तर पर भी दिखाई देगा, देश के स्तर पर भी दिखाई देगा, देश के एक छोटे छोटे हिस्से में भी जाइए, क्लासरूम में पूछिए बच्चों से, तो भी दिखाई देगा कि सबको लगता है सुख सबका अलग अलग होता है। मूल समस्या ये, सबका सुख एक है, इसको भी अगर हम वैश्विक स्तर पर प्रयोग विधि से, रिसर्च विधि से स्टैब्लिश कर दें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो अभी हम नहीं कर पाए, है ना, कि सबका सुख जी एक ही है। जी जी भैया,